दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज सबसे पहले जानेंगे आम का बाज़ार क्या रहा और आम में जो किस्म आपको दिख रही है कैमरे में, इसका नाम है तोतापड़ी। ये जूस के आमों में इसका प्रयोग नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में बहुतायात में किया जाता है। जूस वाले बहुत इसमें जूस की क्वालिटी ज़्यादा निकलती है, गूदा गूदा ज़्यादा माल होता है। और दूसरी किस्में जो मंडी में अभी ज़्यादा आ रही हैं सफ़ेदा। आजकल की जो मंडी में आमों की जो खपत है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में सफ़ेदा है, उसके बाद तोतापड़ी है। और जहाँ तक दूसरे आम की वैरायटीज है तो आपको मैं बता दूँ, पैड़ी है, अल्फांसो है, हमाम है, लेकिन वो आम सबका जो बाज़ार है वो महंगा होता है। तो ज़्यादातर जैसा कि है कि लोग सस्ते आम की तलाश में होते हैं, तो उसकी नीड जो है अभी सफ़ेदा और तोतापड़ी करती है। आज जानते हैं आम के व्यापारी से कि सफ़ेदा और तोतापड़ी का क्या बाज़ार रहा। भाई साहब नमस्कार। राहुल जी नमस्कार। भाव जी, सफ़ेदे का भाव रहा 50 से 60 रुपये किलो, और ये तोतापड़ी है 70 रुपये, 65 रुपये, 60 रुपये। ये जो क्वालिटी अब नहीं आई है, देखिए फसल का नंबर क्या है जी, कितने नंबर का साइज है जी? ये 46 नंबर है। अच्छा, तोतापरी बोलते हैं इसको। आम में नंबर का क्या साइज रहता है? नंबर का इसमें साइज नहीं होता। अच्छा, साइज का जो नंबर का जो साइज होता है वो संतरे में चलता है। अच्छा, आम में नहीं चलता। अच्छा, आम में बस ऐसे ही होता, फुल साइज स्मॉल साइज। ठीक है, किसी को होलसेल के लिए संपर्क करना हो तो अपना अपना दुकान का पता नाम बताइए। आ जाइए ओखला मंडी कैनरा बैंक गेट से आ जाइए आप सीधा। दुकान नंबर क्या है? दुकान नंबर 169। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप इसको पकड़िए एक सेकंड माइक को जी। ये जो है आम, ये होता है तोतापरी। इसको तोतापरी ऐसे नहीं बोलते हैं लोग। ये देखिए, हम इसको ऐसा इसको तोता भी बना देते हैं। ये देखिए, ये उड़ता है भाई साहब, भाग जाएगा। तो ये होता है तोतापरी। ठीक है भाई साहब, किस तरीके से हाथ में था? देखिए किस तरीके से नाम इसका तोतापरी, और कैसे व्यापारी दिखाते भी हैं तोतापरी बना के। धन्यवाद भाई। क्या बता रहे हैं मुझे? दोस्तों अब आ गए हैं मोहम्मद अली फ्रूट कंपनी में। यहाँ जानेंगे कि खरबूज का क्या बाज़ार रहा, क्या पोजीशन है। राजस्थान वाली जो लाल पड़ी चल रही है, भाई साहब से ही जानेंगे क्या बाज़ार में आवक है, क्या पोजीशन चल रही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए सर, क्या है बाज़ार खरबूज का? बाज़ार की पोजीशन हर साल से डोन है भाई। अच्छा जी, एक से एक VIP खरबूजा, 25 से 30 रुपये किलो का खरबूजा। खरबूजा दिखा उधर सामने सामने। खरबूजे में कितनी क्वालिटी होती है भाई साहब? खरबूजे में मेन क्वालिटी 3 क्वालिटी होती है। कौन कौन सी? लालपरी, जालपरी, मधुरस। अच्छा, 3 क्वालिटी होती है। कौन है जी? सबसे बढ़िया लालपरी होती है। अच्छा, फुल VIP सिर्फ 30 रुपये किलो का रेट है मेरी दुकान का। जो माल पिछले साल 60 रुपये 50 रुपये बेचा था वो 30 रुपये किलो बिक रहा है लालपरी। लालपरी जालपरी का भी 30 रुपये, लालपरी मधुरस का भी 30 रुपये। ये है कौन सा? ये लालपरी है? ये जालपरी है, जाल वाला। ये जालपरी है। और ये कौन सा भाई साहब? ये मधुरस, मधुरस। ये ओखला मंडी फुल एकदम लो चल रही है इस टाइम। और ये तो जालपरी हो गया, मधुरस हो गया, और कौन है जी? वो लालपरी वो सामने है और नीचे रखा है, देखो एरा नीचे रखा है लालपरी वाला। ये लालपरी खरबूजा है, ये सारे खरबूजे का सरदार है लालपरी खरबूजा। मीठे में? मीठे में चीनी का शरबत। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक। बहुत डोन चल रहा है हमारा मंडी का, बहुत ज़्यादा डोन। हाँ ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों कभी भी खरबूज की खरीदारी करना हो, ये दुकान का इनका बोर्ड है, डायरेक्टली इनसे संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे बेलपत्र का, आज का क्या बाज़ार रहा, क्या पोजीशन है। भाई साहब से ही जानते हैं, बेल के आहारती हैं सागर फ्रूट एंड कंपनी पे। हालांकि यूजली इनके पास संतरा रहता था, लेकिन बेलों के सीज़न में जो सीज़न का जो फ्रूट होता है ये लोग रखते हैं और उसमें डील करते हैं। जानते हैं इन्हीं भाई साहब से आज बेल का क्या बाज़ार रहा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बताइए भाई साहब क्या है बाज़ार? आज का बाज़ार रहा इसका बेल पत्थर का, मोटी वाली का 30 रुपये, और जो पतली वाली है 20 रुपये इसका। अच्छा, 20 रुपये किलो का बाज़ार। संतरा का बाज़ार हम आपको बता दूँ, बिग संतरा वो 50 रुपये 55 रुपये बिका, 141 का मोटा दाना। मोटा दाना
संतरे के बाजार में कमी आई है, दाम तो बागों में झड़ने से। त्योहार का टाइम है, ईद का, अब तो बस ये है माल बेचने वाली बात है। बाकी है 80-90 रुपये बिका माल तो। ठीक है भाई, किसी को बेलपत्र के खरीदारी के लिए करना हो तो आप अपना नंबर देना चाहें तो दीजिए। मेरा नंबर है 7078786000, सागर फ्रूट कंपनी, दुकान नंबर 213। दोस्तों, खरबूजे, आम और बेल के बाद अब बात करेंगे तरबूज के बाज़ार के बारे में कि आज तरबूज का क्या बाज़ार रहा, क्या पोजीशन रही, क्या आवक रही। तो दोस्तों, बात कीजिए, इनसे जानकारी लेते हैं, मंडी में आज कितनी आवक रही, क्या पोजीशन है तरबूज का। नमस्कार जी। नमस्कार भाऊ जी, नमस्कार। ग्राहक और माल दोनों शॉर्ट है आज। अच्छा। बाकी पोजीशन कल से 1 रुपये टाइट है। अच्छा। 15 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये तक के रेट है। बाकी हल्के सौदों का 10 रुपये, 12 रुपये रेट है। अपना माल कहाँ? अपना महाराष्ट्र का माल है, सोलापुर का, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत लाइन से बिक भी रहा है। आज मंडी में कितनी आवक है, कितनी गाड़ी आई है? कोई ऐसे 25-30 गाड़ी है। अच्छा। हाँ, छोटी बड़ी लगा के। अच्छा। माल कम है वैसे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये था आज मंडी में तरबूज का बाज़ार का पोजीशन। अब जानते हैं दूसरे फलों का पोजीशन। दोस्तों, अब जानते हैं संतरे का आज का क्या बाज़ार रहा, क्या आवक है, क्या पोजीशन है। पहले ये क्वालिटी दिखा दिया हूँ, अब जानते हैं क्या है बाज़ार आज का संतरे का। आज का संतरे का बाज़ार बिका है 41 दाना 65 रुपये से लेकर 60 रुपये तक, और 71 बिका है 40 से लेकर 50 रुपये तक। क्वालिटी अपने पास बढ़िया है, बढ़िया माल आ रहे हैं अपने पास, स्टोर का माल आ रहा है इस टाइम पे। स्टोर शुरू हो गया है, मंडी बंद हो गई है? मंडी से कोई डायरेक्ट नहीं है, अब स्टोर आ रहा है। स्टोर ही चलेगा 10 दिन बस, उसके बाद वो भी खत्म। ठीक है भाई। दोस्तों, आप बात करेंगे पाइन एप्पल में रानी और राजा की। तो ये भाई साहब हैं जो पाइन एप्पल के आहारती हैं। तो आज जो रानी का बाज़ार रहा वो 60 रुपये किलो का बाज़ार रहा, बढ़िया क्वालिटी वाली। और जो राजा का बाज़ार रहा 30 रुपये किलो का राजा का बाज़ार रहा पाइन एप्पल का। दोस्तों, आप बात करेंगे मौसमी का। तो आज जो मौसमी का बाज़ार रहा वो 45 रुपये किलो का रहा होलसेल का। दोस्तों, आप बात करेंगे सेब का बाज़ार क्या रहा, सर्दे का क्या बाज़ार रहा, अनार का क्या बाज़ार रहा, माल्टा, बाबू बोसा, इन सबों का पता करते हैं SB फ्रूट एंड कंपनी पे, क्या बाज़ार रहा, क्या आवक रहा, क्या पोजीशन रहा। तो जानिए इन्हीं से, भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या है बाज़ार आज का? आज का बाज़ार आम का है 50 रुपये से लेके 80 रुपये किलो तक। कौन सा? सफ़ेदा। सफ़ेदा, अच्छा वाला। अच्छा जी। और सफ़ेदा के अलावा सेब का क्या बाज़ार है जी? सेब का बाज़ार है भाऊ जी आज का 105 दाना 1200 रुपये का। अच्छा। 90 दाना 1350 रुपये का। 60 दाना तुम्हारा 1000 रुपये का। भाई कौन सा है सेब अपने? हिमाचल है भाऊ जी, कंपनी का सी है। जी जी। तो अच्छा अच्छा। और ये बाबू बोसा और माल्टा का क्या बाज़ार है जी? माल्टा का बाज़ार है एलजबली का 1300 रुपये। अच्छा जी। हाँ, 16 किलो डब्बे समेत 15 किलो माल। बाबू बोसा का? बब्बू गोसा में 13 किलो माल 1800 रुपये से लेके 1600 रुपये तक। और ये दी गई है सरदा भी रखे हुए? सरदा 200 रुपये से लेके 250 रुपये तक। ये पैकेट का वजन होगा 7 किलो? 7 किलो। 6.5, 6.5। कैसी है बाज़ार की हालत अभी? बाज़ार ठीक है, सही चल रहा। हाँ ठीक है भाई, नॉर्मल है। अनार ले गए 1100-1800। दोस्तों, आप बात करेंगे अनार की। अनार जो आपको ये दिख रही है इसका वजन 10 किलो पेटी के साथ अभी इसका बाज़ार है 1100 रुपये। अनार के भाव में तेज़ी देखी गई है, पीछे बागों से अनार झड़ना शुरू हो गए हैं, अनार का बाज़ार अभी टाइट ही रहेगा। तो दोस्तों, ये था फलों का जानकारी। आप जानते हैं दूसरे फलों के बारे में क्या रहा, बताते हैं आप। दोस्तों, आप बात करेंगे फिर से सफ़ेदा आम का। ये जो आपको दिख रहे हैं इसका बाज़ार रहा 70 रुपये किलो का बाज़ार है होलसेल का।
और संतरे का जो बाज़ार है वो भी 70 रुपये किलो का है होलसेल का। तो दोस्तों ये था मंडी से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन। अब हम आपसे निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही मंडी से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूं। धन्यवाद, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।